गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज शनिवार हम सुबह से लेकर शाम तक में चार कक्षाएं लेंगे। अभी सुबह 9 बजे हमारी बातचीत होगी ज्योग्राफी में, एक महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल टॉपिक प्लेट विवर्तनिका या प्लेट टेक्टोनिक पर। दोपहर 1 बजे हम बातचीत करेंगे एथिक्स पर, क्योंकि एथिक्स में हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड से। पहली यूनिट सबसे बाद में कवर करेंगे जब पूरा एथिक्स कवर हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि यूनिट सेकंड से एक पर्टिकुलर टॉपिक से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। शाम 5 बजे एग्जाम रस पर कदम कदम बढ़ाए जा, लक्ष्य 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। और 7:30 बजे इतिहास की कक्षा महाजनपद काल में हम आज बातचीत करेंगे। तो सभी का भरपूर स्वागत है। जो लाल लाली पहली बार कक्षा देख रहे हैं, हम ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल नामक उस हिस्से का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसे भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है तब भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको आज के इस टॉपिक के हर बिंदु से अवगत करा सकूं। आप अपनी तैयारी को यदि लक्ष्य के आधार पर पूरा करना चाहते तो एग्जाम रस ये एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर हम आपको दिखा रहे हैं कदम कदम बढ़ाए जा के माध्यम से लक्ष्य आधारित प्रोग्राम। और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ, जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 80 टेस्ट की सीरीज कंप्लीटली फ्री दी जा रही है। 1 ईयर 2 ईयर के प्लान मेंस तक के दिए जा रहे हैं। कॉम्बो पैक ऑप्शनल और जीएस लेने पर आपको 25% और 10% रेफर कोड मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके अलावा लोन की फैसिलिटी है, कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल किए जा रहे हैं अब आप लोगों को। प्लस और आइकॉनिक दोनों तरीके के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, दोनों ही सब्सक्रिप्शन आपके पास अब अवेलेबल है, प्लस में भी आइकॉनिक में भी। आइकॉनिक में आपको मेंटर्स दिए जाते हैं ताकि वीकली आपको पूरी तरह से गाइड किया जा सके। साथ ही साथ आइकॉनिक में आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी उपलब्ध होती है। हम अगर बात करें यहां पर तो 7 जुलाई से कई सारे नए बैच आ रहे हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनएकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे होता है। यदि आप लोगों को लगता है कि आप स्कॉलरशिप जीतकर मिनिमम फीस में तैयारी करना चाहते हैं तो कल 11 बजे टेस्ट देना मत भूलिएगा। एमके लाइव रेफर कोड टेस्ट ओपनिंग के लिए रेफर कोड जरूर डालिएगा। साथ ही साथ अनएकेडमी प्रॉमिस का वीक चल रहा है। इस सप्ताह 7 जुलाई तक यदि आप लोग एडमिशन ले लेते हैं तो आपको मेंस तक का गारंटेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। SSC और बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। यदि 2 साल या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन में लेने के बाद सिलेक्शन नहीं होता तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। अनएकेडमी के नोट्स आपके पास अवेलेबल कराए जाएंगे, कंप्लीट 20 बुकलेट्स है वो। 30,000 रुपए तक की टेस्ट सीरीज और कॉम्बो के बेस पर जीएस और ऑप्शनल दोनों लेने पर आपको कंप्लीट कॉम्बो पैक के माध्यम से मिनिमम चार्जेस में सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। ऑप्शनल का यहां जो मैं एक बड़ा बेनिफिट आपको बताऊं कि यदि आप में से कई लोगों ने ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है पर वो चाहते हैं कि लगभग 2-4 ऑप्शनलों को ट्रायल क्लास के रूप में ले, 5-6 ऑप्शनल ट्रायल क्लास के रूप में ले, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज है आपके पास कि यदि आप ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप 5-6 ऑप्शनल को ट्रायल के रूप में देख सकते हैं और फिर जो ऑप्शनल पसंद में आ जाए, जो एजुकेटर पसंद में आ जाए वो ऑप्शनल तय कर लेना, क्योंकि ऑप्शनल में एजुकेटर और रुचि दोनों का बहुत महत्व होता है।
यदि कोई विद्यार्थी 7 जुलाई तक एमके लाइव कोर्ट के साथ 2 साल का अनएकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है और उसका यूपीएससी सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं होता तो उसे फ्री में 1 साल का एक्स्ट्रा प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। साथ ही अगर वह विद्यार्थी किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करके कोई सरकारी नौकरी लेना चाहता है तो उसका कोर्स भी यूपीएससी सीएसई कोर्स के साथ फ्री में दिया जाएगा। यदि आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो आपका ऑप्शनल और जीएस अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 और 27,000 लेकिन कॉम्बो में ये 57,000 के आसपास हो जाता है और रिफर कोड डालने पर ये 51,750 में 1 ईयर का प्लान होता है। इसी रूप में आइकॉनिक भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। 2 सालों में हमने यूट्यूब पर 52 मिलियन व्यू लिए हैं, 37 मिलियन मिनट्स अनएकेडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है, 2000 घंटे से ज़्यादा की कक्षाएं दे चुके हैं और लगभग 1300 विद्यार्थियों को सब्सक्रिप्शन के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शनल में ज्योग्राफी हमारा बैच चल रहा है और कंप्लीट 1750 की प्रिपरेशन के तहत कंप्लीट प्रिपरेशन चलाई जा रही है। आज कदम कदम बढ़ाए जा लक्ष्य 3 तैयार रहिएगा आप लोग। जिन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा लक्ष्य 2 कंप्लीट कर लिया है और जिन्होंने शुरुआत करना चाहते हैं लक्ष्य के तहत तैयारी करने का, आज शाम 5 बजे महाजनपद काल 7:30 बजे और 1 बजे आज एथिक्स की क्लास भी होगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। पूरे दिन भर आज आपको मैं इतनी कक्षाएं देना चाहता हूँ आज और कल में कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक अगर 1 और 2 कक्षाएं डेली 2 की बात हुई तो 2 कक्षाएं चलती रहे तो भी आपको एक बेहतर तरीके से सप्ताह भर का कंटेंट अवेलेबल हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पर मैं आपको पहले पूरी कहानी बता रहा हूं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सवाल यह है कि सर आज ये जो टॉपिक है ये हम किस बेसिस पर और क्या समझे इसे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो लाल लाली आज पहली बार ही पढ़ रहे हैं उन्हें भी यह टॉपिक बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे कि सभी लाल लाली जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिक है और ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया हम जिसे कह देते हैं। तो यदि हम बात करें इसी में तो यहां यूरोप, यदि हम यहां पर एक सिंपल सी बात करें तो सवाल दिमाग में यह आता है कि क्या पृथ्वी जब बनी होगी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तो क्या पृथ्वी पर सब कुछ ऐसा ही होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं और अगर नहीं जानते तो जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हम ये मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति मतलब पूरे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य बना था, सूर्य के साथ कई सारे ग्रह बने जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह बना, तो उस समय तो पूरी तरह से गैस थे। फिर उसके बाद पृथ्वी ठंडी होती गई और इसने धीमे धीमे ठोस अर्धद्रवित संरचना में अपने आप को ढाला। तो फिर सवाल यह था कि फिर ये जो महाद्वीप आज बने हैं ये महाद्वीप कैसे बने, कहीं पर पर्वत निर्मित क्यों होते हैं भाई, क्यों आखिर पर्वत बन रहे हैं, कहीं पर पर्वतों का निर्माण हो जाता है, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं ज्वालामुखी आते हैं, ये सब कुछ कैसे होता है। इन सारे सवालों के जवाब हमें इस आधुनिक काल में 1970 के दशक में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने देने का प्रयास किया। लेकिन कोई भी घटना अचानक तो नहीं होती, उसके पीछे भी तो कोई इतिहास होगा कि अचानक प्लेट टेक्टोनिक का दिमाग में विचार आया और प्रस्तुत कर दिया कि ऐसा हुआ होगा। नहीं, वास्तविक रूप में भूगोल शास्त्रियों में यह काफी विवाद का मुद्दा था कि ये जो महाद्वीप आज ऐसे हैं क्या पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक ये अपनी जगह पर बने रहते ऐसे ही थे कि इनमें भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है।
लगभग 1912 से पहले कुछ भूगोल शास्त्री इस मत को मानते थे कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं उनमें गतियां हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिद्धांत कोई दे नहीं पाया था। पहली बार महोदय वेगनर ने एक प्रस्तुत किया सिद्धांत जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के नाम से ही समझ में आएगा कि महाद्वीप विस्थापित होते हैं, जगह बदलते हैं। पर आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूंगा कि वेगनर साहब इस विषय के वैज्ञानिक नहीं थे। वेगनर महोदय क्लाइमेटोलॉजी के जानकार थे, जी हां, जलवायु विज्ञान के, जो बता सकते थे कि मौसम क्या होता है, जलवायु विज्ञान के जानकार थे। मतलब हम कहेंगे कि जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ थे वो। पर किस्मत किसको कहां ले आएगी इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। कुछ ऐसी ही बात इनके साथ भी है, जलवायु विज्ञान के वैज्ञानिक लेकिन सिद्धांत दे बैठे जियोमॉर्फोलॉजी में, भू आकृति विज्ञान में। एक अद्भुत सी बात रहेगी कि कहां का वैज्ञानिक कहां बातें कर रहा है। सवाल यह है कि अचानक वेगनर साहब को फील तो नहीं हुआ होगा कि चलो भाई भू आकृति विज्ञान खाली पड़ा है, वहां पर अपनी बातें बताकर आ जाते हैं। जी नहीं, तो फिर वेगनर महोदय अचानक इस क्षेत्र में क्यों कूद पड़े? तो वेगनर महोदय विश्व के जलवायु का अध्ययन कर रहे थे अलग अलग समय पर। और जब विश्व के जलवायु का अध्ययन कर रहे थे अलग अलग समय पर तो उनको बड़ा अचरज लगा, कि कुछ जलवायु जो हम कहते हैं कि भाई ये ध्रुवीय जलवायु है, ये ध्रुवों पर मिलती है, उसके कुछ प्रमाण, उसकी कुछ बातें हमें ऐसी जगह मिली जो कि ध्रुव पर था ही नहीं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं बहुत सारे उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी जगह पर हमें कुछ ऐसी चीजें मिली, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा जो उनके अध्ययन में था इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि जो ऑस्ट्रेलिया था, जो ऑस्ट्रेलिया का निचला हिस्सा था, यहां पर उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु के लक्षण मिले, यहां ट्रॉपिकल जलवायु के लक्षण मिले, यहां पर भी ट्रॉपिकल जलवायु के लक्षण मिले। आप कहेंगे सर ये ट्रॉपिकल क्या होता है? घबराओ नहीं, इस पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच में उच्च तापमान मिलता है, साल भर सूर्य प्रकाश मिलता है, यहां की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु के नाम से संबोधित करते हैं। तो अब सवाल खड़ा हुआ, विग्नर साहब को टेंशन इस बात का आया कि भाई जलवायु विज्ञान का जब मैं अध्ययन कर रहा हूं तो उष्णकटिबंधीय जलवायु के कैरेक्टर उन जगहों पर मिल रहे जो इस समय उपध्रुवीय क्षेत्र में है या ध्रुवीय क्षेत्र में है। तो इसकी दो चीजें हो सकती है, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर ध्रुवीय, उपध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बदलते रहते होंगे, या तो ऐसा होता होगा कभी हजारों लाखों वर्षों में कि ध्रुवों पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र चले जाते होंगे। मतलब जलवायु बदलती होगी बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मतलब ध्रुव हो रहा है गर्म और पूरा विषुवत रेखा पड़ा हुआ है ठंडा, शायद ऐसा होता होगा। पर एक और चीज हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो महाद्वीप जो आज आपको उपध्रुवीय क्षेत्र में दिख रहे हैं, जो आज आपको नीचे दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हो कभी, और इसी कारण से वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हो। तो महोदय वेगनर साहब का दिमाग चकरा गया, वो कहे कि या तो ये जलवायु बदलती है बहुत ज्यादा,
या फिर ये महाद्वीप एक जगह रहते नहीं है, पहले ये महाद्वीप उष्णकटिबंध में होंगे और आज वो चले गए हैं ध्रुवीय क्षेत्र में, नहीं तो ध्रुवीय क्षेत्र के महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु कैसे मिलेगी। तब यहां से उनके दिमाग में, जिसे कहते हैं ना भाई दिमाग की बत्ती जलना, दिमाग की बत्ती जली और उन्हें ये क्लियर लगने लगा, हो ना हो ये महाद्वीप एक जगह पर तो रहते ही नहीं होंगे। आइए वेगनर महोदय ने क्या बताया। वेगनर महोदय ऐसे वैज्ञानिक भी नहीं हैं जो भू आकृति विज्ञान में बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर चुके थे और भू आकृति विज्ञान को जानते थे, पर भू आकृति विज्ञान को भले ही ना जाने लेकिन ये बहुत अच्छे कल्पना करने वाले व्यक्ति थे। यकीन मानिए वेगनर साहब ने केवल मात्र एक कल्पना की, लेकिन वो कल्पना इतनी सटीक सेट मतलब सेट हो रही थी कि वो इससे इतने ज्यादा उत्साहित हुए कि अब पूरी तरह से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को साबित करने के लिए पूरे पृथ्वी के हर जगह पर जाने और भटकने लगे। इसी दौरान अपने सिद्धांत को सही साबित करने के दौरान ही बर्फीले क्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, लेकिन इस सिद्धांत ने पूरे भूगोल में क्रांति लाई थी। उस दौरान जब वेगनर साहब ये बातें बता रहे थे तो कई भूगोल भूगर्भ शास्त्र के और भू आकृति विज्ञान जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी के जो भूगोल शास्त्री थे उन्होंने वेगनर साहब का मजाक उड़ाया था, बोले कि अब ये लोग हमें बताएंगे कि हमें भूगर्भ शास्त्र में या भू आकृति विज्ञान में क्या पढ़ना चाहिए। कई लोगों ने, कई बड़े बड़े भूगोल शास्त्रियों ने उनके सिद्धांत को कहा था कि कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसकी औकात है। इसलिए काफी लंबा समय लगा, लेकिन वेगनर साहब की बातें 1970 के दशक में प्लेट टेक्टोनिक के रूप में वैज्ञानिक तर्कों के साथ प्रस्तुत हुई। तो आइए जरा जानते हैं इस महान व्यक्ति के क्या कल्पनाएं थी, क्या विचार थे। तो सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महोदय वेगनर ने पहले 1912 में, फिर इसे संशोधित करते चले वो और कई बार संशोधित करते रहे। 1912 में दिया नाम रखा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत ने भूगोल में एक नए युग का शुभारंभ किया, जिसमें भूगोल शास्त्रियों को यह मानने के लिए मजबूर किया कि ये जितने महाद्वीप आप देख रहे हैं ये महाद्वीप एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, इनमें गति होती रहती है। पर वेगनर साहब केवल महाद्वीप की गति पर बातचीत कर रहे थे। तो आइए लाल लालियों जानने की कोशिश करते हैं उनका कहना क्या था। तो महोदय वेगनर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि लगभग 22 करोड़ साल पहले, अब 22 करोड़ साल पहले सोचिए, इतिहास में 4,000-5,000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम खोज नहीं पा रहे ढंग से, समझा नहीं पा रहे, कल्पना कर रहे हैं, और वो वेगनर महोदय कहाँ की बात कर रहे हैं, 22 करोड़ साल पहले की। अद्भुत है, 22 करोड़ साल पहले की। कैसे सोच लेते होंगे ये लोग 22 करोड़ साल पहले। अब सोचिए 22 करोड़ साल पहले, 25 करोड़ साल पहले महोदय वेगनर क्या कहते हैं। महोदय वेगनर कहते हैं कि जितनी पृथ्वी है ना, ये जितने पृथ्वी के महाद्वीप हैं, ये सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे। ये कंप्लीट एक महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था। मतलब ये नाम उन्होंने दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि, वैसे मैं बार बार कहता हूं कि टाइम मशीन, अब ऐसा तो नहीं है कि टाइम मशीन हो और हम देख कर आ जाए पेंजिया को और उसके बाद वो खुद बताए महाद्वीप की मेरा नाम पेंजिया। ये सब नामकरण किया गया है उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा कि भाई लगभग 25 करोड़ साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, कहानी के रूप में सुनना। 25 करोड़ साल पहले, जैसे हमें दादा दादी बताते थे कुछ साल पहले एक राजा रहता था, तो समझ लेना 25 करोड़ साल पहले पूरी पृथ्वी पर सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे। उस विशाल महाखंड का नाम, उस विशाल महाद्वीप का नाम पेंजिया था। तो फिर सागर कहां पर थे, महासागर कहां पर थे, तो जितनी जगह बच गई ये पूरा महासागर था। ये जितनी जगह बच गई ये पूरा महासागर था, जिसे नाम पेंथालासा दिया था।
इसे नाम दिया था पेंथालासा, इसे नाम दिया था और लाल लालियो आज भी हमें पेंथालासा मिलता है। ये जो प्रशांत महासागर है ना, इसी पेंथालासा का बचा हुआ भाग है और इसीलिए आज भी सबसे बड़ा महासागर पेंथालासा का जो बचा हुआ भाग है प्रशांत महासागर है। तो पेंथालासा, अब जनाब क्या कहते हैं कि देखो भाई, लगभग लगभग 15 करोड़ साल पहले ये भाग टूट गया, ये भाग टूट गया और इसके दो हिस्से हो गए। इसका ऊपरी भाग बन गया अंगारा लेन, अंगारा लेन, इसको लॉरेंशिया भी कहते हैं, इसको लॉरेंशिया भी कहा जाता है। लॉरेंशिया उत्तर अमेरिका में आपको अभी भी मिलेगा। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो भाग कहलाया गोंडवाना लेन, और इसके बीच में जो छोटी सी संकरी पट्टी बन गई इसका नाम रख दिया गया टेटिस सागर। हमने पूछा, जैसे दादा दादी से सवाल नहीं पूछते थे कि भाई राजा ने फिर ऐसा क्यों किया, तो हमने पूछा विग्नर महोदय से कि एक मिनट सर, ये कैसे टूट गया, क्या कोई अवतार लिए थे कि आपने तोड़ा था, कैसे टूट गया। विग्नर महोदय कहते, इतना गुस्सा नहीं करते, बता रहा हूं वो भी कि कैसे टूट गए। विग्नर महोदय यहां जो रीजन देंगे वो वैज्ञानिक नहीं थे, उसका रीजन था क्योंकि विग्नर महोदय क्लाइमेटोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे और वो जियोमार्फोलॉजी में बातें बता रहे थे। तो विग्नर महोदय ने कहा कि देखो, इसके टूटने के दो बड़े जिम्मेदार कारक है, लेकिन ये जो टूटा है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटा है। किसके कारण टूटा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। मैंने कहा भाई ये कैसा गुरुत्वाकर्षण है, तो बोले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय ताकत अधिक होती है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय शक्ति कम होती है, तो गुरुत्वीय ताकत के कारण ये दोनों तरफ से खींचे गए होंगे और टूट गए होंगे। हमने कहा बहुत अद्भुत, इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अगर अंतर है तो फिर इतने सालों से 450 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी है ना, तो वो गुरुत्वाकर्षण क्या इंतजार कर रहा था कि 22 करोड़ साल पहले या 15 करोड़ साल पहले तोड़ूंगा मैं। पर उन्होंने कारण दिया, उन्होंने कारण दिया। पर उनका कहना है कि अभी ये दो भाग टूटे तो अभी रुके थोड़ी हैं, अभी और इसमें विखंडन होगा। फिर वो कहते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, दूसरी ताकत लगाते, वो कहते कि चंद्रमा और सूर्य, इनका गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसे पश्चिम की ओर, मतलब ये जो महाद्वीप है ना, इसको और तोड़ेगा और पश्चिम की ओर तोड़ेगा, और फिर पश्चिम की ओर और कुछ हिस्से होंगे। तो इस तरीके से इनका तीसरा परिणाम है कि अब ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है इसमें खंडन होगा और फिर से यहां पर ये हिस्से पश्चिम की ओर गति का गतिशील होंगे। तो इन दो टुकड़ों का बनना गुरुत्वाकर्षण के कारण वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय शक्ति, ज्वारीय शक्ति मतलब वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हम भूगोल में ज्वारीय रूप में कहेंगे, एक टाइडल जिसके कारण आते हैं, तो ज्वारीय शक्ति के कारण ये पश्चिम की ओर और टूटेंगे और इस तरीके से पूरे पृथ्वी पर अलग अलग महाद्वीप बनेंगे जो अलग अलग दिशाओं में गतिशील होते चले जाएंगे, और इस प्रकार से वर्तमान की पृथ्वी के महाद्वीप आपको व्यवस्थित होते हुए दिखाई देंगे। बड़ी अद्भुत और अचरज वाली बातें हैं, फिर भी इतने पुराने इतिहास के बारे में कल्पना कर लेना अपने आप में एक महान विचारक ही माने जा सकते हैं, और इसीलिए वेगनर साहब का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता भूगोल में। आइए जरा देख लेते हैं, 1912 में वेगनर के द्वारा प्रतिपादित पेंजिया एक बड़ा महाद्वीप, पेंथालासा एक विशाल जलराशि, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मास्टर ने अपने हाथों से बनाए थे, अब थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए।
तो ये सारे के सारे रियलिटी में ऐसे जुड़े हुए थे। ये था पूरा का पूरा पेंजिया और ये पूरा का पूरा पेंथालासा। पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में गुरुत्वीय बल के कारण, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उनके बीच में बन गया टेथिस सागर। तो उनका कहना है कि भाई लगभग 22.5 करोड़ साल पहले सब कुछ एक साथ था पेंजिया, फिर लगभग 15 करोड़ साल पहले ये दो भागों में टूट गया, लॉरेंशिया गोंडवाना, लॉरेंशिया या अंगारा लैंड भी कहते हैं, और ये नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना। ये भारत है हमारा, ये हमारा प्यारा भारत है, ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका, ये आपका अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। फिर वो कहते हैं कि लगभग 10 करोड़ साल पहले अब ये पश्चिम की ओर गतिशील हो जाएंगे, और जब पश्चिम की ओर गतिशील हो जाएंगे तो वहां पर एक महासागर बन जाएगा, उस महासागर का नाम रखेंगे अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर बन जाएगा, और उसी रूप में जो यूरोप है एशिया वो ऊपर की ओर गतिशील हो जाएंगे, अंटार्कटिका इधर चला जाएगा, और फाइनली वर्तमान अवस्था वाली हमें ये पृथ्वी दिखाई देगी। तो क्या वेगनर महोदय के विचार आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर पा रहे हैं कि वेगनर महोदय किस तरीके की बात समझाना चाहते हैं? लगभग 22.5 करोड़ साल पहले पेंजिया था, 15 करोड़ साल पहले वो दो भागों में टूटा, क्यों टूटा वो भी मैंने बताया। फिर उसके बाद हमने बात की कि 10 करोड़ साल पहले उसके और टुकड़े हुए और फिर एक महासागर वहां और बन गया। तो एक तरीके से बेहतरीन कल्पना थी, बेहतरीन विचार थे, इसके कुछ प्रमाण भी उन्होंने दिए। सवाल ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोले और हम मान भी ले, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि सच में उनकी बात को मानने के अलावा ऐसा लगा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये 1912 के दौर का समय है, उस जमाने में कितना ज्ञान था, आज से 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, फिर भी एक अच्छा और नया क्रांतिकारी विचार था। ये गुरुत्व बल की भिन्नता बने रहने के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ, इन विखंडित भूभागों का उत्तर और पश्चिम की ओर विस्थापन, उत्तर और पश्चिम में महाद्वीपीय विस्थापन के अकॉर्डिंग सारी बातें हो रही है। उत्तर की ओर विस्थापन का कारण गुरुत्वीय बल था और पश्चिम की ओर विस्थापन का कारण सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति थी। महाद्वीपीय निर्माण, अब इन्होंने क्या चीजें मानी थी, अब जरा ध्यान से सुनना, भले ही गलत था ये, लेकिन फिर भी कई सारी बातें उन्होंने सोची तो सही जो उस दौर के भू आकृति वैज्ञानिक सोच ही नहीं पा रहे थे। उनकी जो सबसे पहली गलती भले ही थी, उनका कहना था कि ये जो महाद्वीप है इसका निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे हल्के तत्वों से हुआ है, और जो महासागर हैं उनकी जो तली है, महासागर का जो तल है, वो ज्यादा घनत्व वाले सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बने हैं। मतलब उनका कहना यह था कि ये जो महाद्वीप हैं वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों से मिलकर बने हैं, और जो महासागर हैं वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसी चीजों से मिलकर बने हैं, इसलिए पेंजिया जो है वो पूरे पेंथालासा पर तैर रहा है। पूरा पेंथालासा मतलब उस सागर के अंदर वाली तली पर तैर रहा है, सागर वाली तली पर यह पेंथालासा बैठा हुआ है, पेंथालासा पर ये पूरा पेंजिया गतिशील है उनके विचार में। अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस के भूखंड का निर्माण होगा, और गोंडवाना से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय पठार, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बनेंगे। तो भारत, हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वेगनर के सिद्धांत की विशेषताएं, पेंजिया, पेंथालासा, टेथिस सागर की अवधारणा पेश करना अपने आप में बहुत सही कल्पना थी और बिल्कुल सही भी हुआ बाद में। वो वेगनर के सिद्धांत में कुछ कमियां थी, जैसे कि वेगनर साहब ने जो शक्ति का उदाहरण दिया कि जिससे अंगारा लैंड टूट गए होंगे, वास्तविक रूप में वो कैसे संभव है? गुरुत्वाकर्षण बल इतना भी अंतर नहीं है कि खंड कर दे, मतलब महाद्वीपों में टुकड़े कर दे, और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल यदि इतना ताकतवर है तो हमारी पृथ्वी घूर्णन ही नहीं कर पाएगी, पृथ्वी रुक जाएगी, जो कि होता नहीं। तो वो वैज्ञानिक तरीके से समझा नहीं पाए,
लेकिन कल्पना बहुत बेहतर कर बैठे। अब जरा देखना इनके प्रमाण क्या है कि वेगनर साहब की बातें सही थी। सबसे पहला प्रमाण है तटीय साम्यावस्था, जिग स्वा फिट। यदि आप पूरे के पूरे महाद्वीपों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका इस तरीके से सेट होते हैं ना कि ऐसा लगता है कि भाई ये बने ही एक दूसरे के लिए थे। फिर आप इंडिया को जोड़कर देख लीजिए मेडागास्कर से, इंडिया को जोड़कर देख सकते हैं, ये अरेबियन प्लेट जुड़ सकती है, अंटार्कटिका को जोड़ा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ा जा सकता है, ये सारे खंड इसे कहते हैं तटीय साम्यावस्था, जिसे अंग्रेजी में जिग स्वा फिट के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये हिस्से निश्चित ही जुड़े रहे होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। इन दोनों चित्रों से आपको अंदाजा लग सकता है कि उन्होंने जो प्रमाण दिया जिग स्वा फिट, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण था कि यदि आप तट रेखा को जोड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह सच में एक दूसरे पर पूरी तरह से सेट हो रही है। एक और बहुत अद्भुत प्रमाण है लेमिंग जंतु का उदाहरण, रोडेंट है ये, रोडेंट मतलब चूहे जैसा जीव है, कुतरने का काम करते हैं। लेमिंग सामूहिक आत्महत्या करते हैं, सामूहिक आत्महत्या करते हैं ये जीव। जब लेमिंग की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तो ये सामूहिक रूप में महासागर में जंप करते हैं। यूरोप में नार्वे के आसपास के क्षेत्र वाले जीव है ये। वास्तविक रूप में लेमिंग को क्या लगता है, लेमिंग के दिमाग में आज भी वही पुरानी बात है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो उसको पता है कि थोड़ी सी दूरी पर जाने पर हमें ग्रीनलैंड मिल जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड भी जुड़ा हुआ था, उत्तर अमेरिका का महाद्वीप मिलेगा जहां बहुत ज्यादा भूमि है। और उसे कहां पता है कि आज ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में भी बहुत बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर खड़ा हो चुका है। तो उस लेमिंग को लगता है कि बस कुछ दूरी जाना है और फिर हमें महाद्वीप मिल जाएगा, वो जो हिस्सा उसके मेमोरी में था पहले से ही। तो भूगोल शास्त्री मानते कि लेमिंग सामूहिक आत्महत्या नहीं कर रहा है, उसका दिमाग उसे ये बता रहा है कि बस उस क्षेत्र में थोड़ी सी दूरी पानी में जाने के बाद उसे महाद्वीप मिल जाएगा। लेकिन वो जमाना, वो दौर कुछ और का था, इसी कारण से बड़ी संख्या में लेमिंग महासागर में मरे हुए मिलते हैं, सामूहिक आत्महत्या करते ये जीव। तो ये सामूहिक आत्महत्या नहीं है। फिर प्राचीनतम पठारों की संरचना, इस पर गौर करना, ये ब्राजील में यहां पर जितने सोने के निक्षेप मिले, सोने के डिपोजिशन मिले, और यहां अफ्रीका में जो सोने के डिपोजिशन मिले, ऐसा लगता है कि वो एक ही टाइम पीरियड का है। कई चट्टानों की आयु और कई चट्टानों के अंदर के रासायनिक गुण और इन चट्टानों के रासायनिक गुणों में भी बहुत समानता मिली। ऐसा केवल और केवल दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि कई सारी जगह पर यह समानता मिलती है। रासायनिक रूप से चट्टानों में कई सारी समानताएं मिलती चली गई। और उन्होंने एक और बात बताई कि ये जितने भी महाद्वीप गतिशील हुए तो इन महाद्वीपों की गतिशीलता के कारण ये जो महासागरों पर डिपोजिशन था, महासागरों का ये जो डिपोजिशन था, वह डिपोजिशन जमा होने लगा और जमा होने के कारण उनके अंदर फोल्डिंग होने लगी और वो डिपोजिशन फोल्डिंग होने के बाद वलित पर्वत बने। जैसे 33 सागर के डिपोजिशन जमा होने से हिमालय बना, उधर उत्तर और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर गतिशील कर रहे थे, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर गतिशील कर रहे थे तो इसके कारण भी महासागरीय निक्षेप जमा हुए और इनके पश्चिमी भागों पर आपको रॉकी और एंडीज के वलित पर्वत मिलते हैं, रॉकी और एंडीज के वलित पर्वत मिलते हैं। हमने कहा बिल्कुल, आपने जो कहा, जो प्रमाण दिए बिल्कुल सही प्रमाण है, किनारे सही तरीके से मिल रहे थे, लेमिंग की सामूहिक आत्महत्या को समझाया जा सकता था, तटों पर मिलने वाले जो निक्षेप थे वो सोने के निक्षेप ही नहीं,
कई प्रकार की धात्विक संरचनाएं, कई प्रकार के धात्विक निक्षेप, कई प्रकार के चट्टानों के रासायनिक स्ट्रक्चर बिल्कुल उधर के और इधर के सेम मिल रहे थे। और नवीन वलित पर्वतों की जो उत्पत्ति उन्होंने बताई कि जब ये पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं तो इस पश्चिम की ओर गति करने के कारण वो जो महासागर पेंथालासा है उसके अंदर जो डिपोजिशन थे वो फोल्ड हो गए और वहां पर नवीन वलित पर्वत बन गए। जो भारत है वो उत्तर की ओर गतिशील होने लगा तो वो जो 33 सागर था उसके अंदर का जो डिपोजिशन था वो भी फोल्ड हुआ और वहां पर हिमालय जैसा एक नवीन वलित पर्वत बन गया। सिद्धांत कई तरीके से भले ही अवैज्ञानिक कारणों पर आधारित था लेकिन एक क्रांतिकारी विचार था। इधर गौर करते चलिएगा, वेगनर द्वारा प्रतिपादित प्रमाणों को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि महाद्वीप के विस्थापनों के पक्ष में दिए गए वेगनर के तर्क तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत सीमा तक वैज्ञानिक थे। हां, भले ही उनके द्वारा जो रीजन दिए गए वो अवैज्ञानिक जरूर थे। तो वेगनर महोदय ने एक शुरुआत की और उस शुरुआत के बाद एक नया विचार जन्म लिया। अब इस पर गौर करते चलिएगा, दुष्यंत सिंह कह रहे हैं कि सर पॉलिटिकल ऑप्शनल में थिंकर की क्लासेस चालू कीजिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपसे बात करनी है। आप लोग, मैं आस्क मी एनीथिंग लेता हूं, उस समय मुझसे डाउट पूछ लिया करिए क्योंकि आप लोगों को डाउट आते होंगे, जेन्युइन है बिल्कुल। जब तैयारी करते हैं तो डाउट आना उन्हीं के लिए संभव है जो मेहनत करते हैं। पर जो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे जो लाल लाली सोच रहे हैं कि ये शुरू कर दीजिए वो शुरू कर दीजिए, अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो जीएस पर, इस चैनल पर जो मेनली बातचीत होगी वो जीएस की होगी। ऑप्शनल की हम बातचीत अभी तो प्लान नहीं कर रहे हैं, हाँ लेकिन पॉलिटिकल साइंस आईआर पर ऑप्शनल का प्लानिंग हमारा है। इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इसके नोट्स बिल्कुल आपको जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही विग्नर साहब और बिल्कुल एज इट इज पीडीएफ वैसे आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ का तनाव मत लेना, पीडीएफ आपको लगातार मिलता चला जाएगा। हमारी आज एथिक्स भी पूरा होगा, बिल्कुल आरके आज एथिक्स की कक्षा भी है तो एथिक्स भी हम पूरा कंप्लीट कवर करवाएंगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वेगनर साहब उन पहले वैज्ञानिकों में शामिल हैं जो वास्तविक रूप में एक सिद्धांत के तौर पर महाद्वीपों के विस्थापन पर बातचीत कर रहे हैं। तो जरा तेजी से कमेंट्स करना, वेगनर महोदय वास्तविक रूप में किस क्षेत्र के जानकार थे? पहला सवाल, वेगनर साहब वास्तविक रूप में किस क्षेत्र के जानकार थे? तेजी से कमेंट्स करिएगा। एथिक्स 1 बजे क्लास होगी आज जलवायु विज्ञान के, बहुत बढ़िया। ये जलवायु विज्ञान के ऐतिहासिक प्रमाणों पर काम कर रहे थे और उसी दौरान कुछ ध्रुवीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु के, उच्च तापमान वाली जलवायु के लक्षण मिले। उनका दिमाग उसी में घूम गया कि भाई यहां उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसे मिल सकती है, और यदि मिल रही है तो इसका मतलब या तो जलवायु में जगह बदलती होगी कि आज जहां ध्रुव है वहां कभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनते होंगे, या फिर ये जो महाद्वीप है ये कभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते होंगे और आज ध्रुवीय क्षेत्र में आ गए। और दूसरी बात के आधार पर उनने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात की। वेगनर साहब ने महाद्वीपों को किसका बना हुआ माना है? वेगनर साहब ने महाद्वीपों को किसका बना हुआ माना है? सियाल का माना है कि महाद्वीप जो हैं वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बने हैं, और महासागर पेंथालासा को किसका बना हुआ माना है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम का,
सीमा का, और वो मानते हैं कि इस पूरे महासागरीय पेंथालासा पर ये जो पूरा का पूरा महासागर है इसी के ऊपर ये जो पूरा पेंजिया है ये तैरता है, ये तैरता है। वेगनर साहब ने जो महाद्वीपीय विस्थापन में पेंजिया का विखंडन हुआ उसके लिए कौन से बल को जिम्मेदार माना था? पेंजिया का जो विखंडन हुआ उसके लिए उन्होंने कौन से बल को जिम्मेदार माना था? पेंजिया के विखंडन के लिए कौन से बल को जिम्मेदार माना? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, बहुत बढ़िया। और वेगनर साहब ने जो पेंजिया के विखंडन के बाद पश्चिम की ओर गति हुई, टुकड़ों की पश्चिम की ओर गति हुई, उसके लिए किसे जिम्मेदार माना? कौन सी शक्ति को जिम्मेदार मान रहे हैं वेगनर महोदय? सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, फिर एक तटीय, ये जो एक शब्द या प्रमाण दिया जाता है जिसे हम नाम देते हैं तटीय साम्यावस्था, जिग स्वाफिट। जिग स्वाफिट का मतलब क्या है? जिग स्वाफिट का मतलब क्या है? तटीय साम्यावस्था का मतलब क्या है? जिग स्वाफिट, तटीय साम्यावस्था का मतलब क्या है? अगर उन सभी टुकड़ों को जोड़ा जाए तो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो सकते हैं वो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने थे, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेट हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारे प्रमाण उन्होंने दिए, लेकिन याद रखिएगा कि वेगनर साहब के अकॉर्डिंग, अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना, मतलब नॉलेज के आधार पर समझना इसे। वेगनर साहब ये मान रहे हैं कि केवल महाद्वीप गतिशील है, केवल कौन गतिशील है? महाद्वीप गतिशील है और महासागर स्थिर है, महासागर स्थिर है, ये वेगनर साहब मान रहे हैं। वेगनर साहब मान रहे हैं कि जो महाद्वीप है वो महासागर पर तैरते हैं, महासागर पर तैरते हैं, वेगनर साहब ऐसा मान रहे हैं। वेगनर साहब का विचार ये है कि ये जो पर्वतों का निर्माण है, पर्वत का निर्माण है, वह महाद्वीप के महासागर पर तैरने के कारण हुआ है, महासागर पर तैरने के कारण हुआ है, ये वेगनर साहब की विचार है। अब काफी लंबे समय तक भूगोल में कोई रिसर्च भी नहीं हुई भाई। 1940 से लेकर 1960 का जो दौर है ना भूगोल का, वो सबसे भूगोल का अंधकार युग कहलाता है, ब्लाइंड एज कहलाता है, क्योंकि इस युग में कोई नई उपलब्धि भूगोल प्राप्त ही नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय राजनीति विज्ञान विकसित हो रहा था, नए नए देश बन रहे थे, लोकतांत्रिक सरकारों से लेकर समाजवादी सरकारें, मार्क्सवादी सरकारें, पॉलिटिकल विषय पर सारी रिसर्च चल रही थी और भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषय को शायद इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन उसी दौरान जैसी विचार वेगनर साहब महोदय ने प्रस्तुत किए कि महाद्वीप विस्थापित होता है, वैसा एक और सिद्धांत आया जिसका नाम है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। थोड़ा सा देरी से ही सही, लेकिन सागर नितल प्रसरण सिद्धांत उन बातों को लेकर आया कि जी जनाब, केवल महाद्वीप ही नहीं महासागरों का तल भी फैल रहा है, महासागरों के तल में गतिशीलता है। जो महासागर को यदि आप अंदर से देखोगे तो ये महासागर फैल रहे हैं, और इन महासागरों में फैलाव को उन्होंने नाम दिया सागर के नितल में प्रसरण। सागर का तल फैल रहा है, सागर का तल फैल रहा है, और इस सिद्धांत को 1960 में, अब ये महोदय महासागरों में होने वाले
गतिशीलता पर बातचीत कर रहे हैं, जहां वेगनर महोदय महाद्वीपों की गतिशीलता पर बात करते हैं, वही ये महोदय आ रहे हैं होम्स नाम से जाने जाते हैं, आर्थर होम्स नाम से जाने जाते हैं, ये कह रहे हैं कि सागर के नितल में गतिशीलता है। आइए जरा इन महोदय का कहना क्या है। अब थोड़ा सा हम कहेंगे कि वैज्ञानिक जगत में बड़ी गतिशीलता आ गई है भूगोल के प्रति। तो जैसे ये पृथ्वी है, इधर गौर करिएगा, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में एक एस आकृति का महासागर है जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। इधर उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, इधर यूरोप या यूरेशिया है, इधर अफ्रीका है। तो वास्तविक रूप में इस महासागर के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में एक लंबी पर्वत श्रेणी मिलती है वास्तविक रूप में। और उससे अद्भुत क्या बात है, उससे अद्भुत ये बात है कि आपको सुनकर अचरज लगेगा कि यहां पर एक जो चट्टान मिलती है और यहां पर जो चट्टान मिलती है दोनों का टाइम पीरियड सेम है, लेकिन यहां जो चट्टान मिलेगी और यहां जो चट्टान मिलेगी उसका टाइम पीरियड भी सेम है, लेकिन ये दोनों टाइम पीरियड अलग अलग है। मतलब ये कभी पहले बन गई है और ये पुरानी है उससे ज्यादा, फिर ये वाली चट्टानी उससे भी ज्यादा पुरानी है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि महासागर तो अपने आप बने बनाए थे ना भाई, तो कुछ चट्टानें नई दिख रही है, कुछ चट्टानें पुरानी दिख रही हैं। इसका मतलब महासागर में अंदर कुछ निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। इस जनाब ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना इस बात को समझाने के लिए। वो कहते हैं कि पृथ्वी के भीतर कोई नहीं गया, पृथ्वी के भीतर, पर वो कल्पना कर रहे हैं कि देखो भाई पृथ्वी के भीतर क्या होता होगा कि ये जो ऊपरी परत आप कह रहे हो ना, ये जो ऊपरी परत है और पृथ्वी के भीतर बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़ा मात्रा में मैग्मा है। मैग्मा मतलब क्या है, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में धातु और बहुत अत्यधिक गर्म तापमान वाली एक अर्ध द्रवित संरचना है, और यह लगातार जब संवहन के रूप में, संवहन मतलब जब भी कोई हवाएं, जब भी कोई भी द्रव ऐसे ऊर्ध्वाधर गति करता है उसे वैज्ञानिक लोग संवहन शब्द कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो यह संवहनीय के रूप में ऊपर उठता है और इसको तोड़ता है, इस गर्माहट के कारण यह कमजोर होता है, यह टूटता है, और टूटने के बाद ये दोनों के दोनों टुकड़े एक दिशा में उन संवहनीय धाराओं के साथ अलग अलग रूप में गतिशील होते हैं, और इस तरीके से वहां पर दो हिस्से बनने के बाद वह जो मैग्मा गर्म होकर बाहर निकला वह ठंडा हो जाता है, इसे और ढकेलता है, इसे भी और ढकेलता है, और एक नई चट्टान का निर्माण वहां हो जाता है। और इसी तरीके से मेरे लाल लालियों, यहां उनका कहना है कि अलग अलग समय पर बनी हुई चट्टानों का समूह हमें मिलेगा, इन्हीं संवहनीय धाराओं में अलग अलग समय पर बनी हुई चट्टानों का समूह हमें मिलेगा जो इन संवहनीय धाराओं के माध्यम से लगातार निर्मित हो रहे हैं, और इसीलिए आपको बीच में एक पर्वतीय कटक मिलते हैं, या हम कहेंगे कि समुद्र में पर्वत नुमा संरचना मिलती है। इसको उन्होंने कहा है कि समुद्र का जो तल है वो प्रसारित हो रहा है, पूरी तरह से सिद्धांत समुद्र नितल पर है। 1960 में हैरियस, शायद मैंने आर्थर होम्स कह दिया था, आर्थर होम्स ने संवहनीय सिद्धांत दिया था, और आर्थर होम्स के बाद हैरी हेस महोदय आए थे, उन्होंने समुद्र नितल प्रसरण पर बात की थी। तो वेगनर, आर्थर होम्स और फिर हैरी हेस। आर्थर होम्स केवल संवहनीय धाराओं पर बात कर रहे हैं, हैरियस नामक भूगर्भ शास्त्री ने अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती कटक की व्याख्या के संदर्भ में सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार महासागरीय कटक अपसारी ऊर्जा तरंगों के क्षेत्र हैं, मतलब अपसारी ऊर्जा तरंग मतलब जहां दोनों तरंगे एक दूसरे से दूर जाती है, या अपसारी ऊर्जा तरंगों के कारण सागरीय भूपटल में विखंडन होने से मैग्मा बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया से सागर नितल की बेसाल्टिक चट्टानें मैग्मा के ठंडे होने पर बनने वाला जो चट्टान होता है उसको बेसाल्टिक कहते हैं। हमेशा याद रखना, मैग्मा जैसे ही ठंडा होगा तो वह समुद्र के अंदर बेसाल्ट चट्टान के रूप में कन्वर्ट होगा। कटक के सहारे जब नवीन मैग्मा सतह पर आता है तो वह पूर्व से स्थित बेसाल्ट की चट्टानों को खिसका देता है, और इस तरीके से आप यह देख सकते हैं कि नई चट्टानों के निर्माण से लगातार सागर का जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। मतलब उनका यह कहना है कि पहले अटलांटिक महासागर बहुत
बहुत ही कम चौड़ा होगा, पर धीमे धीमे समय के साथ अटलांटिक महासागर चौड़ा होता चला गया होगा, और आज अटलांटिक महासागर और भी चौड़ा होता चला जाता होगा। कटक के क्षेत्र में भूकंप का आना, मतलब वहां पर जब वो मैग्मा ऊपर आता होगा, झटके से जमा हो जाता होगा, तो वहां झटके आते होंगे, कई सक्रिय ज्वालामुखी वहां मिलते हैं जो कटक के निर्माण में वहां पर मैग्मा लेकर आते हैं। यही सागर नितल प्रसन्न की पुष्टि करते हैं। कटक से किनारे की ओर बेसाल चट्टानों का समांतर पट्टियों में पाया जाना, कटक से दूरी के साथ बेसाल की चट्टानों की आयु में वृद्धि होना भी सागर नितल प्रसन्न का प्रमाण है। जैसे जैसे आप उस कटक से दूर जाएंगे, सबसे पुरानी चट्टान आपको पीछे मिलेगी, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं, और सबसे लेटेस्ट आयु वाली चट्टान कटक के पास मिलेगी। ये सागर नितल प्रसरण को प्रमाणित करता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच में ये कटक नुमा संरचना बन रही है और लगातार इसे ढकेला जा रहा है। पर हैरी हेस केवल इतना नहीं बता रहे हैं, हैरी हेस ये भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, किसी दूसरी जगह पर, मेरे लाल लालियों, किसी दूसरी जगह पर, ऐसा नहीं कि फिर समुद्र की जगह ही बढ़ती जा रही है, किसी दूसरी जगह पर सागर अंदर भी जा रहा है, किसी दूसरी जगह पर सागर अंदर भी जा रहा है। तो जितना यहां नया चट्टान बन जाता होगा, किसी दूसरी जगह पर उतनी ही नई बनी पुरानी चट्टान पिघल जाती होगी, पिघल जाती होगी, पिघल जाती होगी। मतलब ये जो सागर का नितल है, ये भले ही दूर जा रहा है, लेकिन किसी जगह पर उसका पिघलना भी जारी है। इसका मतलब ये जितना निर्मित हो रहा है, उतना ये समाप्त भी हो रहा है कहीं ना कहीं। अद्भुत है, बहुत अद्भुत सी बात बताने की कोशिश इन्होंने की है, काफी बेहतरीन चीज समझाई पहली बार, क्योंकि वेगनर महोदय तो केवल महाद्वीप बता रहे थे। हैरी हेस ने कहा, कौन कहता है महाद्वीप, महासागर भी गतिशील है, महासागर का तल गति कर रहा है, ये चुपचाप स्थिर नहीं है। ऐसा ना सोचिए कि महासागर स्थिर है, उनमें भी गति हो रही है, वो भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कहीं पर उनका नया निर्माण हो रहा है, कहीं पर पुरानी चीजें अंदर जाकर पूरी पिघल रही है। दोनों महोदय सही है, पर एक महाद्वीप की गतिशीलता की बात करते हैं और दूसरे महासागरों के नितल में प्रसरण की बात करते हैं। अब समस्या क्या थी भाई, अब समस्या क्या थी, अब बात कंफ्यूजन वाली आ गई। जैसे आप लोगों में से कई लोगों को हुआ होगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी को बुलाया गया, होम साहब की संवहनीय सिद्धांत की थ्योरी को बुलाया गया, और हैरी हेस की थ्योरी को बुलाया गया। मॉर्गन साहब के नेतृत्व में भूगोल शास्त्रियों की टीम बनाई गई और कहा कि ये सारे थ्योरियां पढ़ो और एक बढ़िया सा नोट्स बनाकर लाओ, ताकि वही नोट्स फिर हम भूगोल शास्त्री पढ़वाएंगे, क्योंकि ये चीज एक बता रहा है महाद्वीप गतिशील है, एक कह रहा है महासागर गतिशील है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, सब बताओ कि क्या क्या हो रहा है। और फिर इस पृथ्वी पर अवतार लिया उस सिद्धांत ने, उस विचारधारा ने, जिसकी कक्षा की आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो हैरी हेस पर आते, हैरी हेस ने न केवल महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि की, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित किया कि महासागरीय नितल में भी गति पाई जाती है। इस सिद्धांत ने जहां एक और वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की कमियों को दूर करने का प्रयास किया, मतलब एक वैज्ञानिक कारण दिया कि ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं, अंदर की जो संवनीय शक्तियां वो करती है। फिर वही प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के लिए भी आधार प्रस्तुत होता है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत 1965 प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का विकास 1960 के दशक से शुरू हुआ। 1965 में टूजो विल्सन नामक भूगोल शास्त्री ने स्थल मंडल के गतिशील भाग के लिए प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया। स्थल मंडल का मतलब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 100 किलोमीटर की गहराई वाला जो मोटा टुकड़ा बन जाएगा, उस टुकड़े का नाम रखा जाएगा प्लेट। और 1968 में मॉर्गन के नेतृत्व में कई भूगोल शास्त्रियों ने मिलकर प्लेट विवर्तनिका को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। 1968 के दौर में अब सारी बातें सामने आ रही है।
तो अब हम जानेंगे कि ये प्लेट क्या होता है, फिर ये विवर्तनिक शब्द क्या होता है। प्लेट स्थल मंडल में स्थित भूखंड है जिसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल से उत्पन्न होने वाली संवहनी ऊर्जा तरंगों के कारण गति पाई जाती है। पहले सुन लीजिए, प्लेट विवर्तनी का एक सिद्धांत है जिसमें प्लेटों की गतिशीलता, प्लेट के सीमांत भागों में घटित होने वाली विविध क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में प्लेट विवर्तनिका के लिए प्लेट मैकेनिज्म शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अब आते हैं लाल लालियो, भाई कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, ध्यान से सुनना, आप बड़ी मजेदार बात है। मॉर्गन महोदय ने कहा, देखो जो वेगनर महोदय बता रहे हैं कि महाद्वीप गतिशील हैं और ये जो हैरी हेस बता रहे हैं कि समुद्र नीतल में प्रसरण हो रहा है, सही सही हो क्या रहा है? अब जरा आप ध्यान से सुनना, अब सही सही हो क्या रहा है इस पूरी पृथ्वी पर समझिएगा। हम सारे पृथ्वीवासी अलग अलग जहाज पर बैठे हुए हैं, ये सारे पृथ्वीवासी अपनी अपनी जहाज पर बैठे हुए हैं। हम पूरे भारतीय लोग या भारतीय उपमहाद्वीप के कई सारे देश के लोग एक जहाज पर बैठे हैं जिसका नाम भारतीय प्लेट है। तो सबसे पहले तो ये प्लेट क्या, खाने की प्लेट है, कौन सी प्लेट है, ये उस शब्द को समझा रहा हूं मैं। लाल लालियों, ये पृथ्वी है, अब थोड़ा सा एक नया दृष्टिकोण दिखा रहा हूं। ये पृथ्वी पर जो महाद्वीप आप देख रहे हैं, जो महासागर आप देख रहे हैं, रियल में ये 100 किलोमीटर मोटाई वाले, 100 किलोमीटर मोटाई, साधारण सी बात नहीं, 100 किलोमीटर मोटाई की बात कर रहा हूं भाई मैं। थोड़ी सी हमारी जो टाइल्स होती है, टाइल्स की मोटाई देखते हैं, चट्टान की मोटाई देखते हैं, हम 100 किलोमीटर मोटी, 100 किलोमीटर मोटाई वाली संरचना की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरी पृथ्वी है, मैंने इसको कहा जरा मेरे लाल लालियों को स्पष्ट बताइए कि पृथ्वी कैसी है। तो आइए, पृथ्वी स्वयं प्रकट होकर कह रही है मुझसे और आप लोगों से कि देखो आंतरिक भाग मेरा ऐसा है और इसके ऊपर एक लिक्विड जैसी परत है, एक अर्ध द्रवित परत है। इस अर्ध द्रवित परत को आप लोग या आपके वैज्ञानिक लोगों ने दुर्बलता मंडल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? दुर्बलता मंडल। इसका नाम दिया है दुर्बलता मंडल। इस दुर्बलता मंडल के ऊपर 100-100 किलोमीटर मोटाई के कुछ टुकड़े हैं, 100-100 किलोमीटर मोटाई के कुछ टुकड़े हैं। कहीं कहीं पर उन टुकड़ों की मोटाई कम हो जाती है, कहीं कहीं पर बहुत ही कम मोटाई आ जाती है, कहीं पर मोटाई बहुत ज्यादा, तो वहां पर्वत जैसी संरचना आप लोग कह देते हैं। तो ऐसा पूरा का पूरा दुर्बलता मंडल इस पृथ्वी के चारों ओर मिलता है और उसी पर हमें इस तरीके की कुछ टुकड़े तैरते हुए मिल रहे हैं। इन टुकड़ों को मेरे भूगोल शास्त्रियों के महान चिंतकों ने नाम दिया प्लेट का। तो क्या हुआ, क्या हुआ, यहां प्लेट जहां कम मोटाई की थी तो वहां पर एक गड्ढे नुमा संरचना थी, वर्षा जल जमा हुआ और यहां पर पानी का संग्रहण हो गया। तो हम लोगों ने इसी को नाम दे दिया कि ये महासागर हैं और ये सागर हैं लाल लालियों, और ये जो जगह यहां पानी का जमाव नहीं हुआ यही बन गया महाद्वीप। जो वेगनर महोदय सोच रहे थे कि केवल ये गतिशील है और ये जो हमारे हैरी है सोच रहे थे कि प्रसरण हो रहा है, वो दोनों ही बातें एक है। वास्तविक रूप में वो कंप्लीट एक संरचना है जिसे आप अलग अलग सोच रहे थे। आइए लाल लालियों, मैं आपको थोड़ा सा और चित्रों के माध्यम से चीजों को दिखाने की कोशिश करना चाहूंगा। इस चित्र पर जरा गौर करिएगा, ये जो लाल रंग है ये दुर्बलता मंडल को दिखा रहा है और वास्तविक रूप में पूरी दक्षिण अमेरिका की एक प्लेट ऐसी है। ये प्लेट है पूरी दक्षिण अमेरिका की मेरे लाल लालियों। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए आप लोग, थोड़ा सा इमेजिनेशन ये करिए कि यहां जहां मानव रहते हैं, जहां महाद्वीप कहा जा रहा है, ये थोड़ा उठा हुआ हिस्सा है और ये थोड़ा गहराई वाला हिस्सा है, यहां पानी जमा हो गया, यहां पानी जमा हो गया। मैं थोड़ा इमेजिनेशन कराने की और कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास जनरल साइंस की एक कॉपी है अनअकैडमी की, थोड़ी मार्केटिंग भी कर लेते हैं। तो इधर ध्यान दीजिएगा, जरा इधर ध्यान दीजिएगा, मैं
या फिर इस किताब से नहीं हो पा रहा है, तो आइए जरा ध्यान से देखना मेरे पास कोई ऐसी चीज। हाँ, भूगोल जी किताब लेते, खुल्लर साहब की किताब से ही बताते हैं। ये खुल्लर साहब की किताब है, तो देखना ये पूरी की पूरी प्लेट है, ये पूरा का पूरा महाद्वीप है, पर उस महाद्वीप का जो किनारा है, महाद्वीप का जो किनारा है, समझ लो कि महाद्वीप का किनारा ऐसा है कि यहां पर एक तरीके से खाई बन रही है। तो अब इसको मैं अगर यहां किसी चीज में डुबो दूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि पानी जमा हो जाएगा और दूर से देखने वाले को लगेगा कि किनारे पर पानी भर गया है। तो जरा गौर से समझिएगा लाल लालियो, वास्तविक रूप में पृथ्वी ना महाद्वीप की बनी है ना महासागर की बनी है, वास्तविक रूप में पृथ्वी प्लेटों से मिलकर बनी है जो 100 किलोमीटर मोटाई की संरचना है। और ऐसी पूरी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें मिलती हैं। कई वर्तमान के वैज्ञानिक मानते हैं कि 8 बड़ी प्लेटें मिलती हैं। अभी 8वीं बड़ी प्लेट के बारे में हम चर्चा भी देखेंगे कि वो क्या है, जैसे कि न्यूजीलैंडिया जिसकी बातचीत हुई थी। पर जरा गौर करिएगा कि वास्तविक रूप में, अब देखना ये अफ्रीका की प्लेट पर गौर करना, अफ्रीका की प्लेट, तो अफ्रीका की प्लेट जिसे आप महासागर कह रहे थे, कोई महासागर है ही नहीं इस दुनिया में और कोई महाद्वीप है ही नहीं। मेरे शब्द पर गौर करना, ना कोई महासागर है ना कोई महाद्वीप है, ये पूरी की पूरी इस पृथ्वी पर जो दुर्बलता मंडल की बहुत बड़ा महासागर है, लावा का बहुत बड़ा महासागर है, इस पूरे महासागर पर ये प्लेटें तैर रही हैं, ये प्लेटें घूम रही हैं, और इन्हीं प्लेटों की गतिशीलता के कारण, इन्हीं प्लेटों की गतिशीलता के कारण कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं पर्वत बन रहे हैं, सब कुछ इन प्लेटों का लेखा जोखा है। उन प्लेटों में कहीं पर ऊंची जगह बन गई तो उसका नाम आपने पर्वत रख दिया, उन प्लेटों में नीची जगह बन गई तो वहां पानी जमा हो गया है एक तरीके से, और इसीलिए वहां पर महासागर बन रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आप एक चीज बताइएगा सभी लोग कमेंट्स करके, जो मैं इमेजिनेशन बताना चाह रहा हूं कि कोई महाद्वीप नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई महासागर नहीं है, वास्तविक रूप में यह पृथ्वी 100 किलोमीटर मोटाई वाली, चौड़ाई और लंबाई नहीं बता रहा हूं मैं, इसकी चौड़ाई और लंबाई नहीं बता रहा हूं मैं, मोटाई बता रहा हूं, ये मोटाई, ये गहराई जो इसके अंदर डूबी हुई है, ये 100 किलोमीटर मोटाई वाली संरचना की मैं बात कर रहा हूं, 100 किलोमीटर मोटाई वाली इन टुकड़ों से मिलकर बनी है जिसे प्लेट कहते हैं। आज की कक्षा मेरी सफल हो जाएगी यदि मेरे प्यारे लाल लाली ये समझ जाएंगे कि पृथ्वी ना तो महाद्वीपों से मिलकर बनी है ना महासागरों से मिलकर बनी है, पृथ्वी बनी है प्लेटों से। ये टुकड़े हैं जो तैर रहे हैं, हम भी हैं टुकड़ों के रूप में जो तैर रहे हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के सारे देशवासी इस टुकड़े के साथ लगातार तैर रहे हैं, और अपने तैरने के अगले हिस्से में पानी है, उनके अगले हिस्से में, पिछले हिस्से में पर्वत घूम रहे हैं। बिल्कुल, स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल भी समझ में आ गया है। स्थल मंडल मतलब ये प्लेटें हैं और दुर्बलता मंडल जो इसमें बीच बीच में लावा है। सोचो, कल्पना करो, मतलब मैं ऐसा इमेजिन करता हूं कि हम लोग बहुत बड़े आकार के मनुष्य होते, बहुत बड़े आकार के, कि हमारा साइज कई किलोमीटर बड़ा होता, तो हमारे साइज के कारण, हमारे वेट के कारण इन प्लेटों के अंदर जो हलचल होती, तो शायद वो पूरी की पूरी प्लेटें हिलती हुई दिखती और पढ़ाने में मजा आ जाता कि देखो बेटा पूरा स्थल मंडल हिला रहा है मास्टर आज, मतलब पूरे स्थल मंडल को हिलाकर दुर्बलता मंडल के कई सारी बूंदे, कई सारे लावा की बूंदे उठती, जैसे समुद्र किसी सागर के पानी में जहाज को हिलाने पर आसपास का पानी ऊपर उड़ता है। क्या इमेजिनेशन कर पा रहे हैं लाल लाली, क्या यह बात समझ पा रहे? रियलिटी में बहुत अद्भुत सा सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक, जो वास्तविक रूप में हमें अब सच्चाइयों से अवगत कराएगा। तो पहले तो प्लेट समझ में आ गया, और विवर्तनिका का मतलब होता है गति। विवर्तनिका का मतलब क्या हो गया?
गति, गतिशीलता जो आ रही है उसमें और उसके कारण जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो टेक्टिक मूवमेंट है उसके अंदर, टेक्टिक तो उसे कहते हैं विवर्तनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक, ऐसे शब्द बनाइए, प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट एक्चुअल में उसके ज्यामितीय स्वरूप को बता रहा है और टेक्टोनिक विवर्तनिक उसकी गतिशीलता को बता रही है। और यही सब कुछ जिम्मेदार है, इनमें टकराव होगी तो क्या बनेंगे, इनमें दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो भी सब कुछ हो रहा है इन्हीं प्लेटों की गतिशीलता के कारण हो रहा है। आइए अब समझते हैं ये प्लेटें जो मैं समझाना चाह रहा था। तो आप लोग समझ गए कि प्लेटों में दो भाग हैं, एक उसका संरचना है जिसे ज्यामितीय भाग कहते हैं। ज्यामितीय भाग का मतलब वो बड़ी प्लेट है, वो छोटी प्लेट है, उसका साइज क्या है, और वो ज्यामितीय जो प्लेट है वो ज्यामितीय प्लेट पर कितना हिस्सा समुद्र का है, कितना हिस्सा महाद्वीप का है। वास्तविक रूप में फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये पृथ्वी ना महाद्वीपों से मिलकर बनी है ना महासागरों से, ये पृथ्वी बनी है प्लेटों से। मतलब पृथ्वी बनी है मतलब ऊपरी भाग, ऊपरी भाग जो बना है वो प्लेटों से। और दूसरा भाग है उसका गतिकीय भाग, किस स्पीड से वह प्लेट गतिशील है, किस ओर गतिशील है, उस प्लेट का किनारा कैसा है, क्या वो प्लेटें किसी से टकरा रही है, कि वो प्लेटें किसी से दूर जा रही हैं, कि वो प्लेटें केवल एक दूसरे को घर्षण कर रही हैं, आखिर कर क्या रही हैं, ये उसका गतिकीय भाग है। तो प्लेट में हमें दो चीजें पढ़नी होती है, एक तरफ हमें उसकी ज्यामिति पर बात करनी पड़ती है, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट, सागरीय भाग महासागरीय हिस्सा महाद्वीपीय हिस्सा, और दूसरा है गतिकीय प्लेट डायनामिक भाग, कितनी गति से प्लेट गतिशील है, किस दिशा में गतिशील है, क्या उसका किनारा किसी से टकरा रहा है, कि वो एक दूसरे से दूर जा रही है, कि वो किसी के समानांतर गतिशील हो रही है। इन सारे हिस्सों को हम पढ़ते हैं मेरे लाल लालियों गतिकीय भाग के रूप में। प्लेटों की संरचना, आकृति, प्रवाह की दिशा, उनके महाद्वीपीय महासागरीय संगठन का विश्लेषण सागर नितंब प्रसरण विधि से स्थापित हो चुका है कि वर्तमान में 8 बड़ी प्लेटें हैं। प्लेटों को 3 भागों में बांटते हैं, वृहत प्लेट, लघु प्लेट, उप प्लेटें। तो यदि हमने चित्र को देखा है, आप देखना अब थोड़ा सा ये जो प्लेटें हैं ना मेरे लाल लालियों, इधर गौर करिएगा, यहां ऐसी डिजाइन जहां दिख जाएगी मेरे लाल लालियों, ऐसी डिजाइन जहां दिख जाएगी ना, समझ जाना कि वहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो देखना ये वाली प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ये वाली प्लेट मतलब दक्षिण अफ्रीका की प्लेट, दक्षिण अमेरिका की प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ये प्लेटें दूर जा रही है। और मेरे लाल लालियों, जहां ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए वहां प्लेटें टकरा रही है, और जहां प्लेटें टकराएगी जनरली वहां पर बड़े बड़े पर्वत बनेंगे। आप देखना जहां जहां पर ऐसे ऊपर नुकीली चीजें बनाई हैं वहां प्लेटें टकरा रही है, यहां प्लेटें हम कहेंगे कि दूर जा रही है, जहां प्लेटें टकरा रही हैं, जहां दूर जा रही हैं। तो याद रखिएगा डाइवर्जन है यहां पर, ये डाइवर्जन है यहां पर प्लेट, और जहां पर इस कलर की प्लेट है, इस कलर की लाइनिंग बनाई गई है, वहां पर समांतर है, ना तो कोई दूर जा रहा है ना कोई नजदीक आ रहा है, जब बल्कि वो समांतर चल रहे हैं। तो ये जो अटलांटिक महासागर है यहाँ प्लेटें दूर जा रही हैं, और इसलिए हेरियस को महोदय को लगा था, हेरियस महोदय को लगा था कि सागर नितल प्रसरण हो रहा है। हमने कहा हेरियस साहब आप सही हो, आप सही हो, आप गलत नहीं हो, लेकिन वो सागर नितल प्रसरण नहीं है, वहां प्लेटें दूर जा रही है। हमने महोदय वेगनर साहब को बताया कि आप भी थोड़े बहुत सही थे, पर वेगनर साहब केवल महाद्वीप गतिशील नहीं है, प्लेटें गतिशील है, महासागर महासाद्वीप कुछ भी हो उस पर प्लेट गतिशील है। वेगनर साहब को भी हमने संतुष्ट किया और हमने बताया कि किस तरीके से प्लेटों में गतिशीलता है। ये जो भारत है ये भारतीय प्लेट टकराई है, और भारतीय प्लेट के टकराने वाली जगह पर आपको कई सारे पर्वत मिलेंगे। इस पूरी पृथ्वी पर कहाँ पर्वत बनेंगे, कहाँ भूकंप आएंगे, कहाँ ज्वालामुखी आएगा, हर सवाल का जवाब इस प्लेट टेक्टोनिक की काबिलियत है कि ये दे देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महा बड़े बड़े पर्वत बने हैं यहाँ पर प्लेटों के टकराने से, यहाँ प्लेटों के टकराने से बड़े बड़े पर्वत बने हैं, प्लेटों के टकराने से यहां पर भी बड़े बड़े पर्वत बने हैं। तो रॉकी का बनना,
इंडीज का बनना, रॉकी का बनना, इंडीज का बनना, यहां पर हिमालय का बनना, यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से भी ये घटना हुई होगी, चलते ही रहता है। वृहत प्लेटों के रूप में अगर हम देखेंगे तो सातों प्लेटों को देख सकते हैं, यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इसे भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है, भारतीय ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और अंटार्कटिक प्लेट, जैसे कि अभी भविष्य में हो सकता है आठवीं प्लेट को पूरी तरह से मान्यता भी दे दी जाए तो आप पूरी प्लेटों को देख सकते हैं। ये देखना, मैं बताते चल रहा हूं, ये अफ्रीका की प्लेट है, ये अफ्रीका की प्लेट है पूरी तरह से, पहली प्लेट के रूप में आप देख सकते हैं। ये दक्षिण अमेरिका की प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिका की प्लेट है, यहां कुछ छोटी छोटी प्लेट है जैसे स्कोटिया प्लेट, नजका प्लेट, कोको प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, ये दक्षिण उत्तर अमेरिका की प्लेट है, ये पूरी उत्तर अमेरिका की प्लेट है, पूरा आ गया उत्तर अमेरिका की इस प्लेट में सब कुछ, ये पूरा आ गया। फिर ये यूरेशिया है, एशिया और यूरेशिया पहले अलग अलग थे, अब वो एक ही हो गए हैं। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कुछ लोग इंडियन प्लेट को पूरा अलग मानते हैं, इसलिए अंडमान निकोबार पर आप देखेंगे कि ज्वालामुखी आपको मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, आठवीं प्लेट के रूप में कई लोग इसको अलग मान लेते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को। फिर यहां पर फिलीपींस प्लेट है, छोटी सी प्लेट है, ये पूरी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, मतलब इस प्लेट में अधिकतर हिस्सा पूरा महासागर का बना हुआ है, जिसे प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं। एक बार फिर मैं दिखा देता हूं, तो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाती है, ये यूरेशियन प्लेट है, उत्तर अमेरिकन प्लेट है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, ये पूरी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और देखना, ये पूरी प्लेट कई जगह टकरा रही है, कई जगह पर टकराने के कारण इधर से भी टकरा रही तो यहां भी ज्वालामुखी है, तो इसलिए पूरे प्रशांत महासागर में चारों तरफ ज्वालामुखी आते हैं, और इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी आप लोगों ने कभी सुना होगा। ऑब्वियसली कि वहां प्लेटें टकरा रही हैं, तो हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो लाल लालियों, ये प्लेटें हैं लघु प्लेटों के रूप में, जुआन डी फूका है, नजका प्लेट है, स्कॉटिश प्लेट है, बिस्मार्क प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है, कोकस प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, आप इनमें देख सकते हैं। ये कैरिबियन प्लेट है यहाँ छोटी सी, ये जुआन डी फूका प्लेट है, ये कोकस प्लेट है, ये स्कोटिया प्लेट है, स्कोटिया प्लेट है, छोटी छोटी प्लेटें कई सारी आपको यहाँ पर दिख सकती हैं, स्कोटिया प्लेट है, तो ये कई सारी छोटी प्लेटें हैं। ये उप प्लेट है एक तरीके से, मतलब बहुत छोटी प्लेट नहीं है, तो उप प्लेट है अरेबियन वहां पर। तो जुआन डी फूका, कोकोस, नजका, स्कोटिया, कैरेबियन, छोटी छोटी प्लेटें, कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी है, हमारे बड़े बड़े जहाज है, कुछ के छोटे जहाज है, लघु प्लेट के रूप में, ठीक है। अब दूसरे भाग पर आते हैं जो हमें वास्तविक रूप में समझना है, डायनामिक पार्ट। ठीक है सर, अब हमने समझ लिया कि पृथ्वी ना तो महासागरों से मिलकर बनी है ना महाद्वीपों से, पृथ्वी प्लेटों से मिलकर बनी है, हमें समझ में आ गया। लेकिन सवाल यह है कि ये पर्वत कैसे बन रहे हैं, कहीं पर भूकंप क्यों आ रहे हैं, हिमालय इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला, इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला, लेकिन एक भी ज्वालामुखी नहीं, रॉकी और इंडीज पर ज्वालामुखी मिल जाते हैं, इसके सवालों के जवाब दीजिए सर। अब हमें भूकंप बताइए कि भूकंप हिमालय में इतने क्यों आ रहे हैं, हमें यह भी बताइए कि जो समुद्र नितल प्रसरण की बात हो रही थी वहां पर रियलिटी में क्या हो रहा है। आइए उन सभी सवालों के जवाब देते हैं लाल लाली आप लोगों को। तो इस पूरी प्लेटों में तीन तरीके की गति हो सकती है, इस पूरी प्लेटों में तीन तरीके की गति हो सकती है, इसे कहते हैं अभिसारी, कन्वर्जन, इसे विनाशात्मक, विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं, दूसरी होती है अपसारी, जिसे सृजनात्मक किनारा भी कहते हैं, तीसरा रूपांतरित, रूपांतरित ट्रांसफॉर्म वाली किनारा भी कहते हैं। समझना अभी जरा सारी बातों को बिल्कुल धीमे धीमे समझते चलिएगा। सबसे पहली घटना हम कह रहे हैं कि हो सकता है
प्लेटें गतिशील होती हैं तो ये प्लेटें टकराएगी। ये सारी प्लेटों में गतिशीलता कहां से आ रही है? वेगनर साहब तो कह रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, नहीं, इन प्लेटों में गतिशीलता का कारण है दुर्बलता मंडल का मैग्मा, क्योंकि दुर्बलता मंडल एक तरीके से अर्धद्रवित अवस्था में है। तो जब कोई ठोस संरचना उसको विस्थापित करेगी तो अपने आप वो ठोस संरचना आगे बढ़ेगी, जैसे समुद्र में, सागर में, झीलों में नाव आगे बढ़ती है, वैसे प्लेटें आगे बढ़ती है। प्लेटों में गतिशीलता के लिए कोई गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उत्प्लावन बल जिम्मेदार है। और ये जो प्लेटें हैं वास्तविक रूप में स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है, सियाल सीमा पर तैर नहीं रहा है, महाद्वीप महासागरों पर तैर नहीं रहे हैं, तो उनकी उस गलती को सुधार दिया पूरी तरह से। अब जो पहली घटना है अभिसारी का मतलब मेरे लाल लालियों, जहां प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आएगी। ठीक है सर, आमने सामने आएगी तो होगा क्या भाई? वहां तीन घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि महासागर अभिसारी किनारा हो, मतलब जहां पर दोनों प्लेटें आमने सामने आ रही थी, वो दोनों प्लेटें महासागरीय भाग थे उन दोनों प्लेटों पर, और पीछे महाद्वीपीय भाग थे, और ये टकराए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो ज्यादा भारी प्लेट होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे चली जाएगी। तो मेरे लाल लालियों, जब ये महासागरीय हिस्सा नीचे जाता है ना, ध्यान से सुनना, जब ये महासागरीय हिस्सा नीचे जाएगा मेरे लाल लालियों, तो इस महासागरीय हिस्से के नीचे जाने के कारण, इस महासागरीय हिस्से के, मान लो कि इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो ये महासागरीय हिस्सा नीचे चला जाएगा, ऐसा मुड़ जाएगा। तो ये जो प्लेट है अब इस प्लेट पर, ये जो महासागर में जितने डिपोजिशन होंगे उसका वलन होगा और यहां पर पर्वत बनेंगे। लेकिन ये जब नीचे जाएगा ना, तो वह दुर्बलता मंडल में पिघलेगा, लावा पैदा हो, मैग्मा पैदा होगा, वही मैग्मा बहुत विस्फोट करते हुए बाहर आएगा और आपको ज्वालामुखी की घटनाएं सुनाई देगी। जब विस्फोट के साथ आएगा तो पूरी प्लेट हिलेगी और इसलिए वहां पर भूकंप भी आएंगे। भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों का निर्माण मुख्यतः प्लेटों के किनारे पर ही होगा। पूरी प्लेट में बीच में भूकंप नहीं आते, इसलिए कहा जाता है कि प्लेट के किनारे भूकंप के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन प्लेट के बीच वाले भाग में भूकंप नहीं आ सकता है। इसीलिए मैंने जब आपको भारत पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि भारत के ऊपरी हिस्सों में भूकंप आएगा, लेकिन यहां भूकंप नहीं आता है। पर मैंने वहां बताया था कि लातूर में भूकंप आया था, माना जाता है कि वो भारतीय प्लेट वहां से टूट रही है, इसलिए वहां किनारा बन रहा होगा। बट अभी हम मुद्दे पर आते हैं। हो सकता है कि महासागर आमने सामने टकरा जाए, महासागर प्लेट, तो फिर वो महासागरीय प्लेट अंदर जाएगी, ज्वालामुखी भी बनाएगी, वलित पर्वत भी बनाएगी, तो वलित पर्वत और ज्वालामुखी दोनों मिलेंगे यहां पर, भूकंप तो आएगा ही। दूसरी घटना क्या हो सकती है? दूसरी घटना हो सकती है मेरे लाल लालियों, महासागर और महाद्वीप आमने सामने आ जाए, महाद्वीप अभिसारी सीमा बना दे। तो महासागर और महाद्वीप जब अभिसारी सीमा बनाएंगे, महासागर और महाद्वीप अभिसारी सीमा बनाएंगे, तो मेरे लाल लालियों इधर गौर करिएगा, अभी ध्यान मत भटकाइए इधर उधर, अभी इधर उधर ध्यान मत दीजिए, जरा चीजों पर गौर करिए। ये महासागरीय किनारा था और ये पूरा महाद्वीपीय किनारा था, तो ऑब्वियसली सागर की घनत्व डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये प्लेट नीचे चली जाएगी। पर जब ये महासागरीय प्लेट फिर से नीचे की ओर जाएगी, तो जब ये नीचे की ओर जाएगी, फिर से सेम घटनाक्रम होगा, फिर से सेम घटनाक्रम होगा लाल लालियों। यहां पर फिर से अवसादों का निक्षेप, वलित पर्वत बनेंगे, और यहां पर इसके पिघलने से ज्वालामुखी घटनाएं होगी। मैं क्या बताना चाहता हूं, ज्वालामुखी घटनाएं वहां पर होगी जहां महासागरीय प्लेट सामने आपको मिलेगी, किसी भी प्लेट के। अगर महासागरीय प्लेट महासागरीय तो भी ज्वालामुखी बनेंगे, क्योंकि वो प्लेट बहुत अंदर तक जाती है।
पर जहां पर महासागर और महाद्वीप होंगे वहां पर भी महासागर अंदर जाएगा, ज्वालामुखी बनेंगे। ज्वालामुखी कहां नहीं बनेंगे? अगर महाद्वीपीय प्लेट का किनारा और महाद्वीपीय प्लेट का किनारा, किनारा महाद्वीपीय है कि महासागरी है? अब मान लो किनारा महाद्वीपीय है, यहां किनारा महाद्वीपीय, तो ये टकराएंगे, टकराएंगे और थोड़ा जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगा, पर यहां पर महाद्वीपीय भाग नीचे पूरी तरह नहीं जाएगा, जैसे कि महासागरीय भाग जा रहा था उतना नीचे नहीं जाएगा। इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा फोल्डिंग होगी, वलन बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत बनेंगे, लेकिन कोई ज्वालामुखी नहीं बनेगा मेरे लाल लालियो। भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जनरली दोनों का महाद्वीपीय भाग, महाद्वीपीय भाग टकराया और इसी कारण से वहां पर बड़े ऊंचे पर्वत बने, लेकिन 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 कोई भी ज्वालामुखी जन्म नहीं लेगा। और अभी भी वो प्लेटें टकरा रही हैं, इसलिए अभी भी वहां झटके आएंगे, अभी भी वो प्लेट पूरी तरह से भारतीय प्लेट से चिपकी नहीं है, जुड़ी नहीं है, इसलिए मेरे लाल लालियों अभी झटके आते रहेंगे। और ये झटके तब बंद होंगे जब पूरी तरह से जैसे यूरोप और एशिया जुड़ गए हैं वैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से पूरी तरह से जुड़ जाएगी, पूरी तरह से मर्ज हो जाएगी, पूरी तरह से एक दूसरे में समा जाएगी, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। इसलिए हिमालय वाले क्षेत्र में भूकंप आते रहेंगे अभी भी, इसलिए वहां कोई ज्वालामुखी नहीं है, क्योंकि वहां महाद्वीपीय किनारा महाद्वीपीय किनारे से टकराया, और क्योंकि भारतीय जो भाग था वो ज्यादा डेंसिटी वाला था इसलिए भारतीय भाग नीचे की ओर चला गया, लेकिन वो इतना नीचे नहीं गया, इतना नीचे नहीं गया कि वहां पर ज्वालामुखी का निर्माण हो सके। इसलिए पूरे के पूरे महा हिमालय क्षेत्र में हमें ज्वालामुखी नहीं मिलेंगे लाल लाली। तो अभी सारी किनारों में आपने क्या सीखा? अभी सारी किनारों में आपने सीखा कि तीन तरीके के अभी सारी किनारे हो सकते हैं, महासागरीय महासागरीय, महासागरीय महाद्वीपीय, महासागरीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसारी। सब कुछ अभिसारी, जहां किनारे एक दूसरे को विनाशात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक प्लेट का विनाश होता है, एक प्लेट के किनारे का विनाश होता है, इसलिए विनाशात्मक किनारा कहलाता है। यही पर वलित पर्वत बनेंगे, यही पर ज्वालामुखी घटनाओं को आपको मिलेगा, लेकिन जहां महाद्वीप महाद्वीप अभिसारी किनारा होगा वहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं बनेगा। अब सारी प्लेट जो हैरी हेस महोदय कह रहे थे, अब कोई भी प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो वहां जो जगह बनेगी वहां दुर्बलता मंडल का मैग्मा जमा हो जाएगा और नई प्लेट का निर्माण, नए महासागर या महाद्वीपीय चट्टान का, या हम कहेंगे कि स्थल, हम कहेंगे कि संरचना का निर्माण करेगा, महाद्वीपीय किनारे का, महासागरीय किनारे का निर्माण करेगा। अटलांटिक महासागर में जो दोनों प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इसलिए वहां पर कटक नुमा संरचना, पर्वत नुमा संरचना पानी के भीतर मिलती है, और वैसे ही जितना वहां निर्माण हो रहा है उतना किसी और जगह पर वो प्लेट अंदर जाकर समाप्त हो रही है। तो जहां पर आपके अमेरिकन प्लेट, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेटें इधर दूर जा रही हैं, तो यहां पर इधर दूर जाने के कारण यहां नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है, तो इधर एंडीज और रॉकीज पर्वतों में भी लगातार वो चट्टाने, वो प्लेटें खत्म होती चली जा रही है, तो जितना निर्माण हो रहा है उतना वहां पर समापन भी हो रहा है। तो लाल लालियों, अगर वहां अपसारी प्लेट की बात करें तो वहां अपसारी प्लेट में कोई इतनी अचरज की बात नहीं है, अपसारी प्लेट में दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, नई चट्टानों का या नई संरचनाओं का निर्माण होगा, इसलिए सृजनात्मक कहते हैं। यहां पर आपको ज्वालामुखी भी बड़ी मात्रा में मिलेंगे, ज्वालामुखी भी बड़ी मात्रा में मिलेंगे। समुद्र के अंदर आपको कई सारी घटनाएं मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभिसारी सीमा है, वो अपसारी सीमाएं दूर जाना फैलना अपसारी कहलाता है।
तो विनाशात्मक या अभिसारी किनारा इस प्रकार के किनारे के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है, टकराकर उनमें से भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, मुड़कर नीचे की ओर क्षेपित होने वाला यह हिस्सा गहराई में जाकर ताप और दाब की अधिकता के कारण पिघलकर मैग्मा बनाता है। जिस गहराई पर यह घटना होती उसे क्षेपण मंडल या बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। जहां पर भी यह प्लेट ऐसे मुड़कर नीचे की ओर जाती है उसे क्षेपण मंडल या बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है, बेनी ऑफ जोन के नाम से जाना जाता है। ऐसे किनारे के सहारे भूसन्नति के पदार्थ दबाव के कारण मुड़कर पर्वतों का निर्माण करते हैं। अब ये पूरी की पूरी मुड़ गई होगी तो इसके पूरे के पूरे अवसाद नीचे गिरने लगे होंगे, लेकिन इस प्लेट ने उसको ढकेला होगा, उस पर दबाव डाला होगा, संपीड़नात्मक दबाव के कारण वो जमा हुए होंगे और इस तरीके से वहां एक पर्वत बन गया होगा। नीचे जाकर पिघला पदार्थ मैग्मा प्लूम के रूप में, मैग्मा ये जो पिघला होगा ये प्लूम के रूप में ज्वालामुखी का निर्माण करेगा। आप देख सकते हैं कि ये पिघल होगा, मेल्ट हुआ होगा और यहां से ज्वालामुखी निकला होगा और यही पर फोल्डिंग हुई होगी और इस फोल्डिंग से हम कहेंगे कि लगातार पर्वतों का निर्माण हुआ होगा। दूसरी रचनात्मक या अपसारी किनारा, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती हैं, विपरीत का मतलब एक दूसरे से दूर, क्योंकि टकरा रही है तब भी विपरीत ही है, दूर हटती है, तो वहां नीचे से मैग्मा ऊपर उठकर नई प्लेट का निर्माण करता है। इन किनारे पर पाए जाने वाले सबसे प्रमुख स्थल रूप है मध्य महासागरीय कटक। जब यह किनारा किसी महाद्वीप पर स्थित होता है तो रिप्ट घाटियों का निर्माण होगा। यदि महासागरों में है तो वहां पर कटक बनते हैं, महासागर के अंदर पर्वतमाला, और अगर यहां महाद्वीप है तो वहां रिप्ट घाटी बन जाती है। नई प्लेट के निर्माण के कारण इसमें रचनात्मक किनारा भी कहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर नई प्लेटों का निर्माण हो रहा है। संरक्षी किनारा, कंजर्वेटिव या रूपांतरित किनारा, जहां समानांतर होंगे, तो समानांतर जब प्लेटें टकराएगी तो क्या होगा, समानांतर प्लेटों के टकराने से झटके आएंगे, झटके आएंगे तो भूकंप भी आ सकता है, झटके आने के कारण कई बार वहां पर जो महासागरीय हिस्सा होगा वो भी हिलेगा, तो सुनामी भी आ सकती है। संरक्षित किनारा वह होता है जिसके सहारे दो प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए गतिशील होते हैं, अर्थात न तो अपसरण हो रहा है न ही अभिसरण। इस किनारे के सहारे एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशाओं में गतिशील होते हैं, किंतु यह जरूरी नहीं है। तो यहां भूकंप की घटनाएं, सुनामी की घटनाएं, यदि दो प्लेटें कई दिशा में गतिशील हो तो उनकी गति अलग अलग हो, तब भी उनके किनारे रगड़ते हुए संरक्षित किनारा बना सकते हैं। इनके सहारे ट्रांसफॉर्म भ्रंश पाए जाते हैं, मतलब एक तरीके से कई जगह पर टकराने से खाई नुमा संरचना बनती है। इसके सहारे न तो प्लेट का निर्माण हो रहा है ना विनाश हो रहा है, इसलिए इसको संरक्षित किनारा भी कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिका में भी कुछ कमियां जरूर है, कई सारी जगह प्लेट विवर्तनिक गलत भी है, लेकिन फिर भी एक आधुनिक सिद्धांत है जो भूकंप को समझाता है, सुनामी को बताता है, ज्वालामुखी वहीं पर क्यों आ रहे हैं वो बताता है कि वहीं पर नई प्लेटों के निर्माण या फिर वहीं पर आखिर ये सारे घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं, एक बेहतरीन विचार है जो सारी बातों की ओर लेकर जाता है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि कुल सतही क्षेत्रफल स्थिर है, मतलब प्लेट विवर्तनिका को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि जितना प्लेट किनारों का विनाश हो रहा है उतनी किनारे बन रहे हैं, मतलब पूरे पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल समान है। गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपसारी और अभिसारी किनारे का लंबाई बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, अपसारी किनारे की लंबाई ज्यादा है और ये प्रमाणित हो चुका है कि नई संरचना या नया प्लेट बन रहा है, ज्यादा प्लेट का निर्माण हो रहा है, विनाश उतना नहीं हो रहा है। यह मानता है कि क्षेत्रफल स्थिर है, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पृथ्वी के भूपटल का प्रसार हो रहा है। यदि क्रस्ट का विनाश और निर्माण एक समान होता तब अपसारी और अभिसारी सीमा की लंबाइयां बराबर होनी चाहिए थी, परंतु अपसारी सीमाएं अधिक है अर्थात निर्माण अधिक हो रहा है। महासागरीय कटकों का निर्माण अपसारी सीमाओं पर होता है, परंतु कई कटक ऐसे जिनके नीचे किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है फिर भी कटक बने हैं, इसको ये समझा नहीं पाया। अपसारी सीमाएं अर्थात प्लेट सीमाएं उसी जगह पर क्यों उत्पन्न होती हैं
मतलब आखिर अब सारी सीमाएं वहीं पर क्यों हैं, अभी सारी सीमाएं वहीं पर क्यों है, आखिर उसके नीचे आप जो कह रहे हैं कि वहीं पर प्लूम ऊपर उठा, सवाल यह है कि सवनीय धारा वहीं पर क्यों उठ रही है, उसका भी तो रीजन बताओ। किसी पर्टिकुलर जगह सवनीय धारा गिर रही तो वहीं पर क्यों गिर रही है, उसका रीजन भी तो बताओ। प्लेटो की संरचना क्रियाविधि सिद्ध पूरी तरह से नहीं हुई है, सवनीय धाराएं अभी भी अस्पष्ट है कि पूरी पृथ्वी पर जो सवनीय धाराएं उठ रही वो कहां कहां और क्यों उठ रही है। सवनीय धारा पृथ्वी के कुछ विशेष भागों में ही क्यों उत्पन्न होती है और फिर वो क्यों बंद हो जाती है। प्लेट सीमाओं का निर्माण कैसे होता है, प्लेट सीमाएं खत्म क्यों हो जाती हैं, प्लेटों की कुल संख्या अभी तक निश्चित नहीं है, माना जाता है कि 100 से अधिक टोटल प्लेटें हैं, मतलब छोटी बड़ी सब, बड़ी प्लेटें साथ और छोटी बड़ी सब मिला दी जाए तो 100 प्लेटें। साथ ही साथ इस प्लेट विवर्तनिका में जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है, अभी तक पूरी तरह से कोई स्पष्टता प्लेटों की दिशाओं में, उनकी गतिशीलता में, सभी प्लेटों के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी इस प्लेट विवर्तनिका के माध्यम से हम बहुत कुछ बता पाते हैं। तो प्लेट 100 किलोमीटर मोटाई वाला स्थल मंडल है जिसमें बीच में कोई भूकंप, कोई ज्वालामुखी, कोई भूकंप नहीं मानते हैं, ज्वालामुखी नहीं सॉरी भूकंप नहीं मानते हैं वैज्ञानिक। किनारे पर ही भूकंप आएंगे, किनारे पर ही भूकंप आएंगे, या तो वो टकरा रही होगी या तो वह किसी से दूर जा रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किनारे पर ही सारी घटनाएं होती है, बीच में कुछ भी नहीं होता, ऐसा प्लेट विवर्तनिका कहती है। तो लाल लालियों, जरूर कमेंट्स करिएगा कि आपको पूरी तरह से चीजें क्लियर हुई या नहीं, प्लेट विवर्तनिका पूरी तरह से आपको समझ में आया है कि नहीं, और इसका प्रॉपर बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कई जगह पर प्लेट विवर्तनिका पर सीधा सवाल आ जाता है, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो प्लेट विवर्तनिका ने बहुत कुछ प्रयास कर दिया है चीजों को समझाने के लिए। प्रॉमिस वीक है 7 जुलाई तक, उसे फॉलो करिए। प्रॉमिस वीक के तहत 2 साल के सब्सक्रिप्शन में लेने पर, सिलेक्शन नहीं होने पर आपको 1 साल का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इस समय कई सारे बेनिफिट है सब्सक्रिप्शन लेने में, तो आप तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आज शनिवार को पूरे दिन भर कक्षाएं हैं, स्क्रीन से हटना नहीं है आज। अभी दोपहर फिर मुलाकात करेंगे, सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करवाइएगा, क्योंकि शेयर कम कर रहे आप लोग ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप लोगों का कर्तव्य है कि इसे जरूर शेयर कराएं, क्योंकि इतना सारा कंसेप्ट बनाने के बाद पूरी टीम ये उम्मीद करती है कि सर अब ये वीडियो लगभग 50,000 विद्यार्थियों को लाभ देगा। बस यही उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इन चीजों का लाभ पहुंचे, तो हम और भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते चलेंगे। ठीक है, ये जो एक लाल सवाल कह रहा है कि क्या कारण है, दोपहर में जनरल साइंस नहीं आकाश, जनरल साइंस हम अगले दिन संडे के दिन कर लेंगे या मंडे के दिन कर लेंगे, आज एथिक्स कर लेते हैं, आज एथिक्स कर लेते हैं, क्योंकि वादा किया था हमने पूर्व की तरफ, इसीलिए पश्चिम की तरफ या पूर्व की तरफ जो आप कह रहे हैं उसके लिए केवल और केवल सवनीय धाराओं पर हम उत्तर देंगे कि सवनीय धाराएं जिम्मेदार होगी। दुष्यंत सिंह, पॉलिटिकल ऑप्शनल में थिंकर की क्लासेस, एक्चुअली थिंकर की क्लासेस कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर बहुत अच्छी लोग, देखो भाई वीडियो बनाने का मकसद वही है कि ज्यादा ज्यादा लोगों को लाभ हो, ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा कठिन होती है। प्लेट विवर्तनिका रियलिटी में बहुत कठिन कंसेप्ट होता है, और इसीलिए इस कंसेप्ट को मैंने फिर से लेकर आया, क्योंकि जो चीजें कठिन होती है वहां वास्तविक रूप में शिक्षक का कर्तव्य है कि उसको सरलीकृत करे। थिंकर भी कठिन होते हैं, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल साइंस के कितने विद्यार्थी हैं, तो मैं उसे ऑप्शनल में शुरुआत करा दूंगा, कोई बात नहीं है। एग्जाम रस पर आज टारगेट 3 आ जाएगा, सभी को बेस्ट ऑफ लक। बस रिवीजन करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा। बाय।